भाई ये क्या बात कर रहे हो? क्या कहावत नहीं सुना है क्या? क्या कहावत? शैतान शैतान परेशान तो कर सकता है परंतु जान नहीं ले सकता। आओ हम नहीं। करतार सिंह मैं मरने से बहुत ज्यादा डरता हूँ लेकिन क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। करतार सिंह यदि अपने भाई को देखना चाहते हो तो अपनी लोड बंदूक और जितने भी कारतूस है मुझे दे दो तब देख सकोगे। देर मत करो। हाँ ये लो बंदूक। ये लोड है और ये लो छल्ला। हाँ। चलो आओ आओ, आओ आगे चलो। कुछ तुम्हें पुरानी बातें बताना चाहिए। भाई जो बताना होगा वही पर नहीं। करतार सिंह यही पर सुनोगे। सुनो तेरा दुश्मन अरे पुराना हूँ करतार सिंह तेरा मेरे साथ में तुम चलो वरना गोली करे सीने को पारे। भगवान क्या सुन रहा है इस घड़ी भाई की मौत की खबर पाकर बेचारा दुख से तूने बंदूक और मेरी लिया वरना चिंता न रहता। पैर की नलिया तो डालूंगा। अरे धोखेबाज मैंने तेरे साथ वफा किया और तू तो मेरी वफा का ये शिला खैरा तेरे भाई को मार दिया। करतार सिंह बदले की आग मेरे सीने के अंदर ज्वालामुखी पर्वत की तरह चल रही है। आग उसी दिन बुझेगी जिस दिन तेरी परिवार वालों की समाप्ति होगी। करतार समाप्ति होगी। नहीं बहादुर सिंह बदले की आग बहुत ही खराब होती है। जब ये भड़कती है ना तो इसमें से चिंगारियां निकलती है और वो ही चिंगारियां जलाकर वो चिंगारियां तेरे परिवार वालों को जात कर राख कर देंगी। मुझे नहीं चल मैं जहां लेकर चलता हूं चलता है या नहीं या कि पैर की ये मैं क्या देख रहा हूं। बहादुर सिंह करतार सिंह को अपनी बंदूक की नोक पर लेकर जा रहा है। अब मैं चलता हूं सुजान कर। करतार सिंह के घर पर कोई बच्चा जरूर होगा। अगर वो बच्चा मुझे मिल गया तो फिर मैं चिराग हासिल करूंगा। चलता हूं। ये रहा मेरा शिकार। तुम्हारा शिकार और ये कमीना मेरा बहुत पुराना शिकार। राम जादव मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचान गया हूं। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। शक्ल नहीं देखना चाहता। मार दो जलमू जैसे मेरे बड़े भैया को मारा वैसे मुझे भी मार दो नहीं तो मैं जिंदा बचा तो तुम दो। सरफराज इसकी मौत ना मेरे हाथ से होगी और ना ही तुम्हारे हाथ से होगी क्योंकि इसने मेरी जिंदगी एक भयानक जिंद से बचाई है। भयानक जिंद से बचाई है। क्या हुआ चौंक क्यों गई? वो जिंद तुम्हें कहां पर मिला था? बियाबान जंगल में एक खड़हर यानी हवेली है
उसी के पास मिला वहीं पर मुझे भी एक शैतान मिला था। तुम्हें भी मिला हुआ था। तब इसकी मौत कैसे होगी? इसकी मौत के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम चले जाओ इसकी सुदागर, इसके पास भाभी इसकी है सुजान सिंह की पत्नी और सुजान सिंह का बेटा गोपी, दोनों को बहुत प्यार करता है। और तुम चले जाओ, दोनों को समाप्त कर दो और जेल के गेट पर आकर इसे बता दो ये हरामजादा तड़प तड़प कर मर जाएगा, हमें तुम्हें मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ले जाओ कैदखाने के अंदर बंद कर दो। नहीं बहादुर सिंह, मेरी हवेली की तरफ नजर नहीं उठाना, मेरी भाभी मेरे भतीजे के पास मत जाना, आंसू बहा रहा है। नहीं तो तेरी जेल की सलाखें इतनी मजबूत नहीं है जो करतार सिंह को रोक लेंगी। नहीं मालूम है जेल क्या चीज होती है, हम तुम्हें तन्हाई वाले जेल में डाल दूंगा जिस जाल में चारों तरफ से लोहे के सलाखे लगी रहती हैं। सरप्राह सिंह, कंस ने वसुदेव जी के लिए बहुत बड़े बड़े ताले लगवा दिया था, समय आया वो ताले टूट गए और वसुदेव जी नंदगांव पहुंचे थे। इतना बेवकूफ करतार, अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को करोड़ चक्रव्यूह में फंसा कर मार डाला, वो चक्रव्यूह था और ये चक्रव्यूह बहादुर सिंह का है। इस चक्रव्यूह से तू बच नहीं सकता है। पर मरा था मनु जरूर, लेकिन जीत पांडवों की हुई थी, इतना याद है। अरे धोखेबाज, मेरी बंदूक लेकर बहादुर बन रहा है, इतना याद रहे कि बच गया तो छोड़ा जा। ठीक है, जा रहा हूं उसके घर और बता दूंगा इसी जेल के अंदर ये तड़प तड़प कर मर जाएगा। बेटा गोपी। हाँ माँ। तुम्हारे चाचा नहीं आए, तुम्हारे पिताजी भी नहीं आए, न जाने क्या हो गया। और गोपी मेरे लाडले अब सबर होता बेरहम इतना हुआ है अभी दाता नहीं। दीजिए हाथों में
मेरी तलवार है, बहादुरगढ़ जाने को मां गोपी अब तैयार है। मैं ठाकुर सुजान तेरे चाचा करतार को मोर गोली अदम को पठाया हूं मैं। ओ कमीना तुझे जिंदा छोड़ू नहीं, ओ कमीना खबरदार छोकरे मोबाइल में तारा। कमीना तुझे जिंदा छोड़ू नहीं, पोटी पोटी मैं तेरी चबा जाऊंगा, पापू चाचा को तूने हर मारा मेरे, ऐ कमीने तेरा खून पीऊंगा। ये तो खून पी जाएगा क्या मेरा प्रेसरम खून पी मर्द से तुझको नहलाऊंगा, छोड़ो जिंदा नहीं मार डालो तुझे इसी वार में ये तुझको भेजवाऊंगा। राम जादे मुझे गोली से मारने की धमकी देते हो, चला कर देख ले गोली, चला कर देख ले गोली, जिगर फौलाओ रखता हूँ तेरा काल हूँ कायर नहीं मरने से। खबरदार कल का छोकरा तुम्हारा काल पल कराया है नालायक कहीं का, हम जब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गोपी की जान नहीं बचा सकती हो, मैं आ रहा हूं तुम्हें पीछे से गोली मारूंगा। ये मैं क्या देख रहा हूं, ये गौरत कंधे पर लेकर अपने बच्चे को भाग रही है और ये डाकू उसका पीछा कर रहा है। घबराओ नहीं डाकू के बच्चे, मैं अभी तुम्हारे बाप को बुलाता हूं। ओ मेरे मालिक मुझे क्यों बुलाया गया, मेरे मालिक मुझे मेरे मालिक मुझे क्यों बुलाया गया, खड़ा फरमा सामने दरबार है, कौन सी ऐसी तुम पर और मुसीबत पड़ी, सर कटाने को अपना ये तैयार है। एक लड़की वो देखो भागी जा रही, एक लड़की
बाबू। तुम कोई डाकू लुटेरा पीछे है कर रहा मार करके भगाबो रतन दे। हाँ डालो साले को चाओ रतन देव जिंदा नहीं छोड़ना इसी। ठीक है मालिक, आज जो मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा। जाओ जाओ, मैं भी आता हूं तुम्हें। ये हरामजादे दो टके की औरत कह रही थी कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गोली लगी है, दोनों बेहोश हो गए हैं, लेकिन जिंदा रहना ठीक नहीं है। मैं इस लड़के के बदन का दो टुकड़ा बना दूंगा। इसे छोड़कर दूर हट ओ पापी शैतान, वरना एक ही बार में और ले लूं तेरी सदा। ये तो कौन कमी नाला गप और बन करके भगवान, सुना नहीं क्या तूने रो सरफ राज का। बजाऊंगा मैं इसी में, और चाकू चला वरना तलवार से सर। ठहरो ठहरो ठहरो, समझ गया तू अपने मालिक के आदेश अनुसार इस बच्चे की जान बचाने आया है। हाँ, जान बचाने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि तेरा नाम क्या है। मेरा नाम रतन देव है। तुम्हारा नाम रतन देव है? हाँ। रतन देव यहां से वापस ले जाओ, नहीं तो इस बच्चे के जगह पर मैं तेरे बदन के चार टुकड़े बना दूंगा। ए भूतनी के जाऊंगा तो इन दोनों की जान बचा कर जाऊंगा। मैं इसे होश में लाता हूं, फिर से पूछूंगा। पहले गोली हला जादूगर भूतनाथ कमलावा गोपी के बाजू से गोली निकाला, होश में लाया। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा हमदर्द बन के आया हूं। मेरी जान बचाने वाले कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है? बताता हूं, हम दर्दी भूत भरा।